हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल बसनेत। मेरी स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे होंगे ना? जी दोस्त, समाज ही काला होता चला जा रहा है तो रंगीन देखने से क्या फ़ायदा। अभी एक्सरसाइज कर रहा था और सुबह सुबह फ्रेश होने की कोशिश कर रहा था, अचानक नोटिफिकेशन और बहुत से मैसेज आने लगे कि जर्नलिस्ट विक्रम जोशी की डेथ हो गई है। जितने लोग उनको जानते हैं उनको बता दूँ कि विक्रम जोशी एक जर्नलिस्ट हैं जिनको 20 जुलाई को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की और आज उनकी हत्या हो गई। पुलिस ने कुछ करीबन 9 से 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये जानना नहीं चाहेंगे आप, उनको गोली क्यों मारी? गोली इसलिए मारी क्योंकि बेचारे ने एक पुलिस केस रजिस्टर किया। और पुलिस केस क्या था? उनकी भांजी को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे और उन्होंने कंप्लेन किया उन गुंडों के खिलाफ और 20 जुलाई को कुछ अज्ञात लोगों ने उनको आकर गोली मार दी। बुरा है ना समाज काला? हम राम राज की बात कर रहे हैं और हर गली में, हर चौक में, हर शहर में, हर ऑफिस में रावण बैठे हुए हैं। राम की जन्मभूमि तो क्या मतलब हर गली में रावण होना जरूरी है क्या? कुछ दिनों पहले पुलिस को मार दिया गया, आज जर्नलिस्ट मर गया, कल को डॉक्टर, नेता, आप, मैं सब मर जाएंगे। आवाज भी नहीं उठा पाएंगे, कोई आवाज उठाएगा तो गोली मार देगा। आज जर्नलिस्ट जोशी की डेथ नहीं हुई है, उनके साथ उनकी फैमिली, उनके भांजी कितनी गिल्ट फील कर रही होगी कि उन्होंने अपने मामा को रोक दिया होता कंप्लेन करने से। अगर रोक दिया होता तो आज वो बच जाता। ये गिल्ट उसको एवरीडे मारेगा। अगर आप लोग चाहते हैं और गवर्नमेंट चाहती है और मीडिया चाहती है कि ये गिल्ट से वो बच्ची ना मरे तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए, उन लोगों को गिरफ्तार करवाइए जो सही में कातिल हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए यार। और कितना और कितना मतलब आपके घर में, मेरे घर में माँ बहन बेटियां हैं यार। इमेजिन कीजिए कल हमें आके गोली मार देता है तो हमारे फैमिली का क्या होगा? तो मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, यूपी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जर्नलिस्ट जिसकी डेथ हुई है उसको इंसाफ देना चाहिए। बेचारा शहीद हो गया, बस आवाज उठाई, अपने परिवार वालों को प्रोटेक्ट करना चाहा हो। क्या एक इंसान का, दुनिया में आप जितने लोग भी हैं, मैं सारे दुनिया के एक एक इंसान से सवाल करना चाहता हूँ, हर कोई अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है और इस जर्नलिस्ट ने अगर अपने भांजी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो क्या गलती की? कुछ गलती की? सोचिए, कल को आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं। कुछ दिन पहले पुलिस वाला, आज जर्नलिस्ट, कल को होगा डॉक्टर, फिर नेता, हो सकता है कल को मैं, आप, दुनिया का कोई भी इंसान हो सकता है। और बस क्राइम 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 होता चला जाएगा और हम जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं वो जीवन में नहीं मिलेगा। अगर राम राज चाहिए तो अपने अंदर के रावण को हमें मारना होगा, तभी तो राम जिंदा रहेंगे। बहुत ही भावुक हो रहा हूं क्योंकि जर्नलिस्ट की मौत हुई है। समाज का एक अहम पिलर है जर्नलिस्ट, और मुझे लगता है जितने बिके हुए मीडिया हैं और जो बहुत ही अच्छे मीडिया हैं, सारे लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए और सब कोई एक साथ आके इस चीज पे लग जाइए कि जर्नलिस्ट विक्रम जोशी को इंसाफ मिले, क्योंकि ये आपकी इज्जत है। अगर विक्रम जोशी की डेथ हुई है तो आपकी इज्जत पानी में मिल गई। रिक्वेस्ट सारे गवर्नमेंट से कि इस केस के तहत तक जाइए और उन लोगों को उम्र कैद या फांसी होनी चाहिए।
जनता आप क्या बोलते हैं, आपको आप सबको आवाज़ उठानी चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। टेक केयर।